बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इस्मे अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब, दुरूद व सलाम शाने कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करते हैं। नसीन गुजरात लाला मूसा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक जाली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां से कितने किलो मुजरे सेहत घी बरामद किया और जानवरों की आलाइशें और चर्बी, जिससे ये जाली घी बनाकर मार्केट में फरोख्त किया जाता, उस यूनिट को किस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने बेनकाब किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, ये है मेरी आज की इस वीडियो का मौज़ू। नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरात ने मुखबर की इत्तला मिलने पर, खुफिया इत्तला मिलने पर, लाला मूसा की बिहारी कॉलोनी वहाँ एक घर में कायम फैट रेंडरिंग यूनिट पर छापा मारा और वहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या हो रहा था, किस तरह जानवरों की आलाइशों को पिघलाकर उससे मुजरे सेहत घी बनाकर उसको कैसे घी के टीन जो हैं उनमें भरा जा रहा था, ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, ज़रा ये आप देखिए, फिर इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। सर ने फाड़ लिया यार, फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो, चलो चलो नासिन। आपने देखा कि लाला मूसा की एक कॉलोनी है जीटी रोड पर वाके बिहारी कॉलोनी, उसके एक घर की छत पर यूनिट लगा रखा गया था, फैट रेंडरिंग यूनिट यानी चर्बी और आलाइशों को पिघलाकर उससे आयल बनाने का और घी बनाने का यूनिट। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम छापामार पुलिस के हमरा इत्तला मिलने पर जब वो इस घर की छत पर पहुँची, उन्होंने अपनी आँखों के सामने ये मुजरे सेहत घी जो था इसको बनते हुए और जो घी के टीन हैं उनमें पैक करते हुए, डालते हुए, भरते हुए देखा और ये सारा सामान 100 किलो घी जाली जो बनाया जा चुका था, 70 किलो चर्बी इस पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने अपने कब्ज़े में ले ली और जितना घी तैयार किया गया था उसको गाड़ी में डाला और जब्त कर लिया। नाज़रीन, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक जो फैट रेंडरिंग यूनिट है, अगर इसको चलाना हो तो लाइसेंस लेना ज़रूरी है और फैट रेंडरिंग यूनिट में बनाया जाने वाला जो आलाइशों और चर्बी से आयल है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है नाज़रीन बायो प्लांट्स में, इसको आप खाने पीने वाली अशिया के तौर पर कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक संगीन जुर्म भी है और इंसानी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा भी। तो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिसने लाला मूसा में जाली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर, निजी घर में जो बनाई गई थी उस पर छापा मारा और कई 100 किलो घी को जब्त कर लिया और चर्बी और आलाइशें भी अपने कब्ज़े में ले ली। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये हमारे आसपास, हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में ये कैसे दरिंदा सिफ्त लोग हैं जो महज नफ़ा के लिए, चंद रुपये कमाने के लिए इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हैं और एक ऐसा मुजरे सेहत घी बनाकर जाली
वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। और आपने देखा कि यहाँ एक मारूफ ब्रांड है मिज़ान घी, उसके जो टीन थे खाली बाहर लोगों मिज़ान घी का लगा हुआ है, उसमें ये घी भरा जा रहा था। अब मार्केट से हम जितना घी खरीदते हैं, हमें क्या भरोसा है, क्या यकीन है कि ये घी असली है या कि जाली है। ये हमारे होटल जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं और जितनी दुकानें हैं जहाँ से हम सारा दिन ख़रीदारी करते हैं, समोसे पकौड़े कबाब वगैरह, ये वहाँ सारा घी जो है जाली सस्ते दामों फरोख्त किया जाता है और यूँ इंसानी सेहत के साथ संगीन एक मजाक जारी है। तो यहाँ मैं आखिर में अपने शहरियों से ये कहना चाहूँगा, आपका फ़र्ज़ बनता है बतौर शहरी के, ज़िम्मेदार होने के, आप अपने आसपास नज़र रखें। अगर आपको कोई अपनी बस्तियों में, महल्लों में नज़र आती है, दुकानों में, मार्केटों में कोई ऐसी कार्रवाई कि जहां आपको लगता है कि कोई भी जाली चीज़ तैयार की जाती है, तो फौरी तौर पर आप पंजाब फूड अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। बहुत शुक्रिया।